इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPPP मोबाइल के अंदर अगर आपको इस तरीके से इशू आता है, प्लीज़ एंटर वैलिड डिटेल्स, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब भी अगर आपको इस तरीके से इशू आता है प्लीज़ एंटर वैलिड डिटेल्स, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप कुछ डालने में मिस्टेक कर रहे हैं। आप यहाँ पर सबसे ऊपर आपको आता है अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ। ये तीन चार चीज़ें तो मेनली आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी पड़ेगी। आप देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर आपने अकाउंट नहीं बना रखा, आपने डिटेल गलत डाले हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको ओपन योर अकाउंट नाउ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको रेजिडेंट्स पूछेगा कि आप इंडिया के हैं या इंडिया से बाहर के हैं। तो इंडिया से बाहर के तो हम नहीं हैं, तो हम नो पर क्लिक करते हैं, नंबर डालते हैं और पैन कार्ड डालते हैं एंड डिटेल्स अदर और डालते हैं, तो हमारा अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। तो फिर जो हमें यूज़र आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा और फ़ोन नंबर वगैरह जो भी मिलेगा हमें, वो हमें वहाँ पर लॉगिन पर डालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर होता है। तो जब हम इसको यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी हम डालेंगे, अकाउंट नंबर हमें मिलेगा, कस्टमर आईडी भी हमें मिलेगी। तो जब हम डालेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ये प्रॉब्लम होगा ये सॉल्व होगा। फॉरगेट करने का कोई ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि कस्टमर आईडी भी फॉरगेट नहीं होती, अकाउंट नंबर भी फॉरगेट नहीं होता और बर्थ डेट फॉरगेट भी नहीं होती। कस्टमर आईडी हो जाती है, बट कस्टमर आईडी जो होती है ये दी जाती है और आपको दोबारा भी पता चल सकती है, जब आप इसकी ब्रांच वगैरह में जाएंगे तो वो इजीली आपको बता देंगे। तो यहाँ पर इनवैलिड डिटेल्स का इशू ये रहता है। बाकी अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।